देखिए जी किचन में कितनी आसानी से ऐसे रख दीजिए, आसानी से मिल जाती हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। जल्दी से उठा के पहले अपन को ढूंढना पड़ती है कहाँ क्या रखी है, देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। आप भी अब ऐसे ही बोतलों का उपयोग कीजिए और भी बोतल रख के जो अपन को रखना है वो रख सकते हैं। किचन का काम बहुत आसान हो गया हो। देखिए दोस्तों ये कितनी आसानी से आर पार दिख भी रही है और अपन को पहचान में भी आ जाती है आसानी से। सर आप चाहो तो इसमें पर्ची भी लगा सकते हैं, मैं पर्ची की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आसानी से दिख आर पार दिखने वाली चीज़ है। आसानी से उठाकर झटपट अपन कुछ भी बना सकते हैं। देखने में भी किचन में कितनी सुंदर लग रही है। आप भी अब ये बोतलें फेंकना नहीं, ऐसा यूज कर। देखिए दोस्तों अब मैंने ये बना लिया, अब मैं इसको कट करके बताती हूँ कैसे कट किया जाता है। देखिए कितनी सुंदर और कितनी यूजफुल बोतल, कितनी अच्छी बनाई जाती है जो काम में बहुत अच्छी आती है और सरलता जरा में काम बन जाती है और इसमें बारिश के समय में सीरन भी नहीं आती, बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। देखिए दोस्तों आज मैं बहुत अच्छी फ़ायदे की बात बता रही हूँ जो कि अपन किचन में काम करते हैं, कभी कभी बहुत कठिन काम लगता है। जैसा कि अपन ये चीज़ें रखते हैं, जैसे चने की दाल है, किसी तड़का मड़का में लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ढूंढना पड़ता है बड़े बर्तन में, ये आसानी से दिखेगी सामने। जरूरत की दाल है, ये भी चने तड़के में काम आती है। जैसा जो मेथी है, मेथी भी ज़रूरी रहती है और जैसा जो जीरा है, जो सभी लोग इसमें कुछ भी रख सकते हैं जो अपने ज़रूरत की सामान है। ये मैंने ऐसी बोतलें ली हैं जो यूजफुल हो जाती हैं और अपन इसको ये काम में नहीं लेते। देखिए मैंने इनको छोटा कर लिया है, इनका छोटा करने का तरीका ऐसा है। देखिए ये अपन इसको अब बहुत आसानी से काट लेते हैं। देखिए ये पानी पी के अपन बोतलें फेंक देते हैं, कई तरह की बोतलें आती हैं जिसमें बच्चे लाते हैं और फेंक देते हैं। ये इसमें भी देखिए ऐसी चौकोर बोतलें भी रहती हैं, कलरफुल बोतलें भी रहती हैं और ऐसी बोतलें लेकर अपन काम में नहीं रहती, बहुत इकट्ठी हो जाती हैं। इनका देखिए आसान तरीका हो गया है जो अपन कर सकते हैं। इसको काटने का तरीका ऐसा है कि इसको ऐसा काट लीजिए, ऐसा किसी भी चक्कू या ब्लेड, जैसे ब्लेड ले लिया, चक्कू ले लिया, इसको आसान ब्लेड से काटने में ज़रा हाथ में सावधानी रखना पड़ती है जिससे कि हाथ में ना लग जाए। देखिए कितनी आसानी से कट जाती है। ऐसे ये चक्कू है, चक्कू को थोड़ा गैस पर गर्म कर लिया है और इसको गर्म करने के बाद इसको ऐसे काट लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये कट जाती है। देखिए जी कट चुकी है, कितनी अच्छी बोतल। इसके काटने का तरीका ये है, अपन इतनी काटी है, इतनी यहाँ से काटना चाहिए जब ये गर्दन ऐसी दिखती है जब इसमें फिट होएगी। इसको ऐसे काट लीजिए, पहले इसको थोड़ा सा इसमें ऐसा कट लगा दीजिए जिससे ये आसानी से कट जाता है। आप चक्कू को थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लीजिए और आसानी से कट जाएगा। देखिए जी मैंने बोतलें काट ली हैं, अब इसका ये हिस्सा निकाल दिया गया है। आप चाहो तो छोटी बड़ी जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। ये देखिए मैंने निकाल के अलग कर दिया, आप इससे बड़ी भी कर सकते हो। और ये देखिए जी मैंने ऐसे कर निकाल लिया, अब इसको ऐसे जोड़ लेंगे। इसको ऐसा जोड़ लेते हैं, फिर इसको क्यू फिक्स से ये आप छोटी बड़ी कोई भी क्यू फिक्स ले सकते हो। और आप इसको यहाँ से मैंने ले लीजिए, इसका ढक्कन खोल लेते हैं और इसको ऐसे लगाकर इसको चारों तरफ यहाँ से लगा दीजिए और इनको फिट कर लिए। मैंने इनको यहाँ से जोड़ लिया है। ये बहुत अच्छी यूजफुल चीज़ें हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। देखिए जब मैंने क्यू फिक्स जोड़ लिए और ऐसा ही आप लोग जोड़ लीजिए और इसमें ये देखिए ये ली है और इसको यहाँ से जोड़ लिया है और इसमें चारों तरफ क्यू फिक्स लगा दिया गया है। लगा दीजिए जैसे जो क्यू फिक्स है इसको यहाँ से लगा दीजिए और फिर इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिए। ये कितनी अच्छी बोतलें बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी ऐसे बना सकते हो कि आसानी से किसी भी काम में आ सकती हैं ये बोतलें। आप लोग भी ऐसे छोटी सी बोतल बड़ी बोतल जैसी बनाना चाहो वैसे बना सकती हो, कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी आसान तरीका हो गया है।
किचन में रखने में भी सुंदर लगती हैं और अपन को किचन में कोई सामान ढूंढना नहीं पड़ता, आसानी से झटपट काम हो जाता है। इसके जो बीज का टुकड़ा यहाँ से काट लेते हैं, जैसे और इसके काटने का तरीका ये है कि इसको यहाँ से काटना चाहिए, जैसे ये इसकी गर्दन रहती है ना, इसको यहाँ से काट लेना चाहिए जिससे कि अच्छी तरह फिट हो जाती है। और फिट करने के लिए कभी कभी ढक्कन खोलकर, जिसमें एयर भर जाती है, नहीं होता तो ढक्कन खोलकर उसको फिट कर लीजिए, बहुत आसानी से फिट हो जाती है। आप भी ऐसा बनाइए किचन में, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, ये मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप ये भी बताइए आप कौन से देश शहर से कहाँ से बोलना है, जिससे कि मैं आपको थैंक यू कह सकूँ। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हो सरप्राइज के, थैंक यू दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।